Okay, now let us start full hand bridal design. So first draw two parallel lines. Now create one more parallel line. So these three lines are required to differentiate negative space designs. Now I am creating the base for making negative space design. So this will be the layout of that design. So first I am creating three parallel lines. जैसे कि आप देख सकते हो पहले मैंने हॉरिजॉन्टली तीन लाइंस बनाई और उसके ऊपर ये मैं एक नेगेटिव स्पेस जो लोटस थीम पे जो डिज़ाइन है उसके लिए एक लेआउट बना रही हूँ. तो वो जो पहले तीन पैरेलल लाइंस बनाई थी वो उस डिज़ाइन के लिए बेस था. तो पहले हमें वो बेस क्रिएट करना पड़ेगा और उसके ऊपर हम ये जो डिज़ाइन है वो क्रिएट कर सकते हैं. जैसे कि पहली जो लाइन है पूरा शेप वो एकदम थीन लाइन है और बीच वाली जो लाइन है वो थिक है. एज यू कैन सी आउट ऑफ दैट थ्री लाइंस द मिडल लाइन इज थिक कंपेयर्ड विथ अनदर टू लाइंस. सो इन दिस वे जस्ट क्रिएट दिस थ्री लाइंस. Now just create that design or border for this shape. अब जो है ये shape के आजू बाजू हम आस पास ये design add करेंगे. So just surround this shape with this pattern. So उसके आस पास हर एक जगह पे ये आप डिज़ाइन और जो ये पैटर्न है वो रिपीट करें. नाउ जस्ट क्रिएट डॉट एट द सेम डिस्टेंस. अब जो है उसका फिनिशिंग के लिए हम डॉट्स क्रिएट करेंगे. दोनों साइड पे हम डॉट्स क्रिएट करेंगे. अब जो है वो नेगेटिव स्पेस टेक्निक डिजाइन बनाएंगे. सो फर्स्ट बिफोर स्टार्टिंग दिस काइंड ऑफ नेगेटिव स्पेस डिजाइन फर्स्ट यू नीड टू प्रैक्टिस. सो फॉर प्रैक्टिसिंग आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड सो मैनी डिफरेंट ट्यूटोरियल्स. So just do visit Mehndi Class for Beginners playlist from my channel. The name of that channel is Nidhi's MehndiART. Okay, now here I am creating some leaf pattern. These leaf patterns are created from lotus leaf pattern. So I am just giving the border or outline of this leaf pattern. ये जो लोटस कमल फूल का जो लोटस लीफ का जो शेप होता है लोटस फ्लावर के जो लीफ का शेप होता है वही शेप मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है. अब इसको मैं इंटरनली कनेक्ट कर रही हूँ. एज यू कैन सी अब जहाँ पे भी जगह है थोड़ी थोड़ी वहाँ पे मैं छोटे छोटे और लीफ बना रही हूँ. जैसे कि आप देख सकते हो एज यू कैन सी वेर एवर आई फाइंड एनी स्मॉल स्पेस देन आई एम क्रिएटिंग स्मॉल लीफ. सो जस्ट कवर ऑल दैट स्पेसेस बिटवीन ईच ऑफ दिस टू लीव्स. नाउ इन द रेस्ट पार्ट यू कैन पुट सर्कल और you can also create or you can also draw leaf again. So as you can see I am creating kind of paisley shape. और एक बात कि ये जो negative space technique है उसमें basically बहुत ही कम space रखनी है हर एक दो designs के बीच में तभी उसका getup आएगा. अगर हम
स्पेस ज़्यादा रखेंगे तो वो पूरा फिल हो जाएगा और डिज़ाइंस का गेटअप नहीं आएगा। तो बहुत ही कम स्पेस रखनी है हर एक डिज़ाइंस के बीच में। अब ये जो सारी स्पेस है जहाँ पे डिज़ाइन नहीं है, सो इन रिवर्स मैनर जस्ट फिल ऑल द स्पेस सो दैट डिज़ाइन विल बी हाईलाइटेड एंड अगेन इट विल गिव्स यू लाइट डार्क कॉम्बिनेशन ऑफ हेना स्टेन। तो ये जो भी हमने डिज़ाइन ड्रॉ की थी वो एज इट इज़ रखे और उसके अलावा जो जितनी भी स्पेस है वो सारी आपको फिल करनी है। तो इससे क्या होगा, जो भी आपने फिल किया होगा वो एकदम ही उसका डार्क स्टेन आएगा, डार्क कलर आएगा, तो उससे ये जो एम्प्टी स्पेस है जो हमारी डिज़ाइन है वो एकदम अच्छे से हाईलाइट होगी। ओके, सो वन पार्ट वी हैव कंप्लीटेड, दैट इज द नेगेटिव स्पेस टेक्निक सेक्शन। Okay, now let us proceed our design. Now create that pattern. Add one more layer. Now create a very dark thick line, create one more thin line, again create the same pattern that we have created earlier. This is just to extend our design. अब जो next step है वो हम एक दूसरा element उसमें हम add करने वाला है, तो उसके पहले just to reach at that point I'm doing this design. Now just I'm dividing the space, backhand space, in half circular way. Now I'm going to create here checks pattern but with adding flowers. So this is the floral checks patterns. So in that first I am creating different flowers horizontally. तो पहले हम मैंने तीन flowers create किए और दूसरी row में दूसरी बार ये जो तीनों flowers थे उसके बीच में और उसके नीचे ये सारे points पे मैंने flowers create किए। जैसे कि आप देख सकते हो पहले तीन फ्लावर्स बनाए, फिर नेक्स्ट रो के तीन फ्लावर्स जो है वो फर्स्ट रो के जो दो फ्लावर्स है उसके उसके बीच में है। सो सिमिलरली जस्ट प्लेस फ्लावर्स इन द ऑर्डर दैट आई हैव प्लेस्ड ऑन माय हैंड। नाउ स्लोली कनेक्ट देम। So that it will create checks pattern. Diagonally connect them. Okay, finally connection we have completed. Just do practice
for this before applying directly on your hand. Now create one more parallel line. जैसे कि यहाँ पे हमने हर एक डिज़ाइन में सेपरेशन के लिए दो से तीन पैरेलल लाइंस यूज़ की है, सो वी विल रिफ्लेक्ट द सेम पैटर्न फॉर आवर एंटायर डिज़ाइन. नाउ क्रिएट दैट पैटर्न दैट वी हैव यूज्ड अर्लियर आल्सो. सो जस्ट क्रिएट दिस टाइनी डिज़ाइंस. जैसे कि हमने हर एक अलग अलग डिज़ाइंस के सेपरेट करने के लिए ऐसे पैरेलल लाइंस बनाई है और उसके बाद ये पैटर्न क्रिएट की है, तो यही पैटर्न हम आगे जाके जितने भी एलिमेंट्स उसमें ऐड करेंगे तो उसके सेपरेशन के लिए यूज़ करेंगे. नाउ आई एम एडिंग वन मोर लेयर विथ दिस स्पाइरल डिज़ाइन एंड ऑन दैट आई एम क्रिएटिंग I'm adding that tiny pattern. Create spiral, give one border and now create that pattern. So just repeat for random number of times. Okay, so here we have finally completed our whole shape and we have added one layer with this same element. Now I am going to create a very big flower below the first finger. Okay, now for that first I need to create center. Create one more parallel line. जैसे कि आप देख सकते हो first finger उसके नीचे मैंने एक circle बनाया, फिर उसके बाद और एक circle बनाया parallel और फिर ये design add की जो हमने पहले भी काफ़ी सारे parallel lines में की थी. अब जो है मैं petals create करूँगी. यहाँ पे आप कोई भी flower use कर सकते हो. Now create the petals. Okay, now I have completed the creation of petals. Now just I am highlighting both sides of petals. So har ek petals ki dono side हम हाईलाइट करेंगे. सो जस्ट कंटिन्यू इन दिस वे. ओके, यहाँ पे फ्लावर कंप्लीट हो गया है. अब जैसे कि देख सकते हो इस डिज़ाइन को और एलिगेंट बनाने के लिए हम और कुछ ऐड नहीं करेंगे. नाउ वी विल फोकस ऑन फिंगर्स. सो जो स्पेस है फ्लावर के नीचे वो हम एज इट इज़ रखेंगे, वहाँ पे हम कुछ भी फिल नहीं करेंगे. अब जो ये डिज़ाइन है उसको हम अगेन डिवाइड करेंगे जो अवेलेबल स्पेस है, और उसको हम फिंगर्स में इस तरीके से डिवाइड करेंगे डिज़ाइन. तो अगेन यूज टू पैरेलल लाइंस. गिव वन वेरी लाइट बॉर्डर
around this flower. Again create that tiny pattern. Now just fill this particular entire section with this design. Just create small circles and around that circle create this pattern. So just fill this entire section. तो यही पैटर्न से हम ये जो पूरी स्पेस है बिलो द लाइन एंड अबव द फ्लावर, तो ये जो पूरी स्पेस है ये हम ऐसे ही फिल करेंगे इस डिज़ाइन से. Now just finish your design. So thank you so much for watching this video. Keep watching and keep practicing. If you like this video, then don't forget to share your reviews and don't forget to share this video with your friends. So thank you so much. This video I have created almost 1 year ago. So this is one of my old creation. So just nowadays I am adding narration to this my old videos. So once again thank you so much. Keep watching and have a nice day.